हम यहाँ कवर कर रहे हैं एमएस वर्ड के पूरे सेक्शन को एक कोर्स के तहत। यहाँ पर हमारे पास एमएस वर्ड में इंसर्ट मेनू है और इस सेशन का जो टॉपिक रहेगा हेडर फुटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्लैंक पेज कुछ मंगा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो कि हमारे पास कितने पेज आ चुके, 5 पेज। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, हेडर फुटर। हेडर मतलब क्या होता है उसको समझ लेना थोड़ा थोड़ा। हेडर मतलब क्या होता है, जो ऊपर का सेक्शन होता है ना, ऊपर का सेक्शन उसको बोलते हैं हेडर, और जो नीचे का सेक्शन होता है उसको बोलते हैं फुटर। तो इस पर क्लिक करो, देखो तो अलग अलग फॉर्मेट मिल रहा है। ठीक है, जैसा फॉर्मेट चाहिए, जैसा काम है वैसा फॉर्मेट इस्तेमाल कर सकते हैं हम। यहाँ पे सिग्नेचर टाइप जैसा हो रहा है, ठीक है ना, दिख रहा है आपको, टाइटल जैसा दिख रहा है, तो क्लिक करो एक। और अब क्या होगा, देखो यहाँ पर लॉक है, इसके बीच में आप यहाँ नहीं लिख सकते यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट, क्योंकि ये इस एरिया को ये लॉक किया हुआ है। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो रेज्यूम बनाना है तो रेज्यूम बना सकते हो। ठीक है, लिख दिया आपने रेज्यूम, और इसका जो एरिया है सेट भी कर सकते हो, देखो बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, हेडर फुटर कम भी कर सकते हो। ठीक है, और आप चाहो तो इसमें पेज नंबर भी ऐड कर पाओ। इसे क्लोज करो पहले। अब ध्यान देना, इंसर्ट पर जाओ, फुटर लगा दो। फुटर में सिग्नेचर वगैरह चाहते हो आप तो क्लिक करो, देखो ये आ गया फुटर। ठीक है, और आप क्या चाहते हो, यहाँ पे टाइम मंगा दो, टाइम ओके करो, आ गया ना। इस तरीके से मंगा सकते हो आप। अगर पेज नंबर की बात हो रही है तो क्लिक करो, देखो पेज नंबर भी आ जाएगा, आया। ठीक है, इसको हटा दो फिलहाल के लिए। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हेडर फुटर का इस्तेमाल करेंगे। मतलब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे एक पेज हमने लगाया ना, ये हर पेज पे मिलना चाहिए। ठीक है, ओके, एक पेज दिख रहा है आपको, इस पेज पे नहीं है, ओके, दूसरा पेज देखते हैं, नहीं है, ऐसा क्यों है देखते हैं। यहाँ हमने क्लिक किया, देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें थी यहाँ पे। ठीक है, क्लिक करो, ये हर पेज पे चाहिए कि नहीं चाहिए वो डिपेंड करता है, अल्फ़ाबेट है, एनुअली है, सारे पेज पे चाहिए तो सारे पेज का इस्तेमाल हम कर पाएंगे। क्लिक किया हमने, ठीक है, ठीक है, तो देखो ये यहाँ पर अप्लीकेबल हो चुका, ये इस पेज पे भी दिख रहा है, ये पेज भी दिख रहा है, यानी हर एक पेज पे दिखेगा ना, कंपनी का नाम वगैरह। ठीक है, इस तरीके से हम बना लेंगे हेडर फुटर। इसके बाद क्या करना है, हमें जानना है पेज नंबर के बारे में। क्लिक किया, अगर कोई बुक वगैरह बना रहे हो, अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है ना, तो उसके तहत आपको चाहिए पेज नंबर, तो पेज नंबर देखो क्लिक करो किसी पे भी। इसमें क्या होगा, टॉप पे यानी पेज के टॉप एरिया पर दिखेगा, बॉटम एरिया पर, लेफ्ट राइट जहाँ भी दिखाना चाहते हो आप ले सकते हो। मान लो टॉप सेक्शन में कहाँ जाते हो, तो ये ऑप्शन पूछ रहा है, बीच में जाते हो, नीचे जाते हो, लेफ्ट राइट में कहाँ पर, ठीक है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। अगर बॉटम में चाहिए तो कहाँ, मिडलो चाहिए, मिडलो के करो। देखो ध्यान से आप देख सकते हो यहाँ पर जो पेज हो गया, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सबका नाम दे दिया, ठीक है, नंबर, और ये पेज नंबर हो गया, यहाँ देख लो पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4, ओके। तो इस तरीके से जिस पेज पे आपका कर्सर होगा, जहाँ पे करंट पोजीशन होगा, वहाँ से आप सेट कर सकते हो हेडर एंड पेज नंबर। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।